यस्सी मसीह में भरपूर जिंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है दोस्तों हम खुदा पाक के बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं इस मौके के लिए कि खुदा पाक ने यह मुमकिन किया कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम खुदा के कलाम में से पेश कर सकें ये कलाम आप तक पहुंच रहा है ये भी एक मोजा है क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके लिए दुआ की और हमारी सपोर्ट किया इसकी वजह से यह प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है हम सब दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये मुमकिन किया कि ये प्रोग्राम आप तक पहुंच सके दोस्तों खुदा का कलाम यह जिंदा कलाम है ये सच्चा कलाम है यह कलाम हमारी जिंदगी को बहुत फायदा देता है यह कलाम हमें इटर लाइफ देता है यह खुदा का कलाम है और आज हम इस कलाम में से कुछ खास बातें सीखेंगे मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ मेरे भाई मेरे दोस्त ब्रदर विलियम यह मौजूद है मैं उनको दावत देता हूँ ब्रदर विलियम मोस्ट वेलकम प्रोग्राम अगेन भाई सलीम मुझे आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई है और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ बाइबल चैनल के लिए जिसके वसीला से दुनिया को मसीह यस्सू की हमेशा की जिंदगी उसके रैम और निजात के बारे में खुश सुनाई जाती है और मसीह के शिगर्दों को तैयार किया जा रहा है आमीन आमीन खुदा के नाम को जलालो ब्रदर आई हम ये प्रोग्राम दुआ से शुरू करते हैं खुदा बाप ये कादर नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं बाप और हम तुझसे रिक्वेस्ट करते हैं दरख्वास्त करते हैं खुदा बाप की तू आज तो हमारी मदद कर कि हम कुछ खास बातें सीख सके तेरे कलाम में से खुदा पाक तो हरेक हमारे देखने वाले भाई बहन को तो आज छू हमको को भी छू ले तेरा कलाम से तेहरू पाक के जरिये से और तो आज हमारी जिंदगी को फायदा दे आज तो हमारी जिंदगी को पाक कर तेरा कलाम से तेरू पाक के जरिए से खुदा पाक यीशु के नाम में अमीन 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 दोस्तों अगर आपके पास डीवीडी रिकॉर्डर या वीसीडी सी डी है तो आप उसको ऑन करें रिक्ड करिए प्रोग्राम को और अगर आपके पास बाइबल्स है तो वो खोले और इस बाइबल uh, स्टडी में शामिल हूँ ब्रदर विलियम आज हम क्या सीखेंगे भाई सलीम आज हम एक बड़ी खूबसूरत कहानी के वसीला से सीखेंगे और ये कहानी है नेक सामरी की और इस कहानी में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह जिंदा रह सकते हैं यानी हमेशा की जिंदगी कैसे पा सकते हैं और उसके अलावा हम खुदा के रैम से किस तरह से वाकिफ हो सकते हैं हमें क्या करना चाहिए हमेशा की जिंदगी के लिए और खुदा के रैम के लिए तो इसके लिए हम आ, आ, इस कहानी को पढ़ेंगे लुका की झील और उसका दसवां बाप और उसकी पच्चीसवीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक आप अपनी बाइबल को खोल कर रखें और इससे पहले कि हम इस मौजू पर गुफ्तू -गु करें और इसको हम पढ़ें आपकी मदद के लिए मैं ये चाहता हूं कि एक हवाला पहले हम युना की झील से उसका सातवां बाप और सोलहवीं आयत को दे जी। योहना इंजील उसका सातवां बाप और सोलवी आयत में लिखा है यसु मसीह ने कहा जॉन जा, चैप्टर सेवन जॉन चैप्टर सेवन सिक्सटीन थैंक यू मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है तो यसु मसीह ने इस जगह पर तालीम के बारे में बताया है कि मेरी तालीम मेरी नहीं मेरे भेजने वाले की है तो वो तालीम को एक बड़ी इम्पोर्टेंस दे रहा है कि किस कदर वो ओबीडियट है उस तालीम के लिए जो तालीम उसको बाप की तरफ से मिली है और आगे एक दूसरी आज जो है वो इसको और वाजे कर देती है यहुना की झील और उसका आठवां बाप ट्वेंटी एट जॉन एट ट्वेंटी एट जी अब यहां पर यसु मसीह ने अपनी गुफ्तगु को जारी रखते हुए कहा मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया है जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया है मैं उसी तरह से ये बातें कहता हूं तो अब यहां पर यसु मसीह ने एक नमूना दिया है कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया है मैं उसी तरह से कहता हूं तो ये कितना जरूरी है कि जब हम हमेशा की जिंदगी की बातें करते हैं और मसीह के शगिद बनना चाहते हैं या हम उसकी खिदमत करते हैं तो ये जरूरी है कि पहले हम सीखें और फिर हम वही बातें करें जो हम बाइबल में से सीखते हैं तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से यसु मसीह ने अपनी तालीम लोगों को दी अब यसु मसीह मसाले भी इस्तेमाल करते थे और देहातों और कस्बों में जब वो जाते थे तो फिर वो जबानी बातें करते थे और चलते चलते जैसा भी माहौल होता था जैसे भी लोग होते थे तो वैसी वो गुफ्तगु शुरू कर देते थे यसु मसीह ने तमसीलों को बयान किया और उनकी वजाहत की कि भाई ये जो कुछ मैंने कहा है इसका क्या मतलब है और ये बड़ा अच्छा लगता है जब कोई गुफ्तगु हो तो समझ आती हो सु मसी ने बड़े आसान तरीके से क्यों उसने तमसीलें इस्तेमाल की क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर वो वाकयात और वो सारी बातें आती थी जिनको यसु मसीह लोगों के दरमियान करते थे और उन्हीं के वसीला से उनको सिखाते थे और खुदाम यसु मसीह ने जो कुछ भी बयान किया है उनकी उसने वजाहत की और इस तरह से कलाम की सिंचाइयों को लोगों को उनसे वाकफ कराया मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ ब्रदर। यस yes. कि जिस तरह से इधर लिखा जिस तरह से अभी आपने पढ़ी दो आया थे योना किंजिल से ज़ा। कि खुदापा के सिमसी ने जो भी किया वो उसने देखा अपने अपने बाप ने जो किया वही उसने किया जी ये ये एक बड़ी खास बात थी कि वो किसके लिए क्यों भेजा गया है क्या काम है उसका तो उसका यह था कि वो खुदा के कलाम को वो उनको सिखाए और उसके वसीला से खुदा बाप को जाहिर करे अच्छा तो जो कुछ भी खुदा पाकिस्तान ने जो काम उसने किया तो वो उसने देखा जो बाप कर रहा है वो कहता है कि मेरा बाप जो कुछ करता है वो अब तक करता है और मैं भी वही करता भी वही करता हूँ तो वो देखता है वो सीखता है तो खुदा खुदापा के समय से अपने बाप बाप के के दैट ही वाज वॉकिंग इन इन हिज स्टेप्स स्टेप्स द फादर बिल्कुल वो से तो अलग हो ही नहीं सकता जैसे यशमुसी ने भी कहा था कि तुम तो मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते इसी तरह से वो बाप से जुदा होकर कुछ नहीं कहता और कुछ नहीं करता वो कहता है जैसा मैं बाप को करते देखता हूं मैं वैसा ही करता हूं तो इसका मतलब है कि बाप उसके साथ मिलकर कर रहा है जो कुछ उसने सीखा है वही वो, वो कहता है थैंक यू शुक्रिया तो इस तरह से यसु मसीह ने जब किसी तमसील को बयान किया है आज हम नेक सामरी की कहानी को आ, सीखेंगे कि किस तरह से खुदामंद यसु मसीह ने अपनी तालीम को दिया है लेकिन एक बात जरूर है कि खुदामंद यसु मसीह वहां से शुरू करते थे जहां लोग होते थे लोगों से वो शुरू करते थे अपनी इन बातों को जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के साथ वास्ता रखती है तो यस्सु वहां से तालीम शुरू करते थे जहां लोग होते थे और तालीम में से उन्हें उस जगह ले जाता था जहां वो उनको ले जाना चाहता है यानी तालीम देकर वाकयात के जरिया से उन बातों के वसीला से उनको वही कुछ सीखा था था तालीम के वसीला से उसके सामने एक टारगेट होता था मैं कहा तक इनको सिखाऊं और ताकि ये उस जगह पर पहुंचे जहां मैं इनको ले जाना चाहता हूं तो ये एक बड़ी खूबी है तालीम के अंदर तो सलीम भाई आपके साथ जो मैं बातें कर रहा हूं वो इस नजरिए से कर रहा हूं कि आप जो बातें खुदावन के कलाम से सीखेंगे वो आपको एक मकाम से दूसरे मकाम पर ले जाएंगे जहा पर खुदामंद आपको बरकत देगा और आपको वो हमेशा की जिंदगी के मुकाशवे से मामूर करेगा और जब तक वो ना आ जाए आप पाक बेऐब जिंदगी बसर करें तो ये उसका बहुत बड़ा मकसद है आए हम नेक सामरी की इस कहानी को लुका किंजील और उसके दसवें बाप से आ, देखें कि किस तरह से आ, खुदा ने आ, तालीम के वसीला से हमें सिखाया है इस शरा यहां पर पच्चीसवी आयत लूका खिजील उसका दसवां दसवीं पच्चीसवीं लुक चैप्टर टेन वर्स ट्वेंटी चैप्टर टेन वर्स ट्वेंटी फाइव थ्रू थर्टी सेवन थर्टी सेवन थैंक यू और देखो एक आलमी शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि आए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारस हूं उसने उससे कहा तोरेत में क्या लिखा है तू किस तरह पढ़ता है उसने जवाब में कहा कि खुदामंद अपने खुदा से अपने सारे दिल अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख उसने उसे कहा तूने ठीक जवाब दिया यही कर तो तू जियेगा मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गरज से यस्सु से पूछा फिर मेरा पड़ोसी कौन है अब यह दूसरा सवाल है उसका यसु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलम से यरू की तरफ जा रहा था तो यहां से उसने एक हालात और वाकयात के मुताबिक एक तमसील जो है वो शुरू कर दी और अब इस तमसील के वसीला से इन दोनों बातों का वो जवाब दे रहा है मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं और मेरा पड़ोसी कौन है तो इस जगह पर देखते हैं कि यसू ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलाम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया उन्होंने उसके कपड़े उतारे और मारा भी और अदमुआ यानी आधा मारकर उसको छोड़ गए अदमुआ छोड़कर चले गए बल्कि इतफाकन काहिन उसी से जा रहा था राे देख कर कतराकर चला गया इसी तरह एक लावी उस जगह आया वो भी उसे देख कर कतरा कर चला गया लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की दूसरे दिन दो दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था तेरी दानिश्त में कौन पड़ोसी ठहरा उसने कहा जिसने उस पर रैम किया या सुने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर अब ये एक आ, मसाल के तौर पर और एक आ, कहानी के तौर पर उसने उसको उस सवाल का जवाब दिया जो उसने शुरू से किया था अब ये शरा का आलम एक उस्ताद है और वो शरीयत से वाकिफ है और उसने जो सवाल किया है वो सवाल बड़ा संजीदा है आकाश के हर कोई ये सवाल करे और ये सवाल है मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं और अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये आदमी तो उस्ताद है